मुरैना जोरा थाना क्षेत्र के रानीपुर गांव में बाघ के आने से गांव में हड़कंप मच गया। जिसके बाद सूचना मिलते ही जोरा थाना पुलिस और वन विभाग की टीम मौका मुआयना करने के लिए पहुंचे तो देखा कि वहां पर बाघ झाड़ियों में छुपा हुआ था। आसपास के लोग लाठी लेकर वहां पहुंचे, तभी गांव में कवरेज करने गए पत्रकार दिनेश जैन पर बाघ ने हमला कर दिया। बताया जाता है कि बाघ ने पीछे से पंजों से हमला किया है, जिसमें दिनेश जैन अरविंदा एक्सप्रेस के प्रधान संपादक गंभीर रूप से घायल हो गए। तभी उपचार के लिए उनको मुरैना जिला अस्पताल लाया गया, जहां से डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद ग्वालियर के लिए रेफर कर दिया। वहीं बताया जाता है कि पुलिस बाघ की तलाश में जुटी हुई है। वहीं बता दें कि इसमें पहले भी मोहन नामक बाघ ने एक लड़के पर हमला किया था, जिसमें वह घायल हुआ था। उसके बाद दूसरा हमला पत्रकार के ऊपर किया गया, जिसमें वह भी घायल हुआ है। पत्रकार था अरविंदा उसको निष्क्रिय कर अभी क्या है, जोरा के पास 3 किलोमीटर दूर रूनीपुर एक गांव है, वहां पे गांव की बस्ती में बाघ आ गया था। उसको अपन कवरेज करने के लिए गए थे। जैसे ही वहां पहुंचे तो बताए तबरिया बाघ वहां सामने बैठा हुआ है। तो तबरिया से कह रहा था कि हम लोग कम से कम 70-80 फुट की दूरी पर थे। तो जैसे ही उधर की तरफ हम लोग पहुंचे तो वहां पर मेरे साथ में और भी लोग थे। जैसे हम लोग पहुंचे तो वहाँ बाघ ने क्या है हमला किया, हम लोग पीछे से, जैसे हम लोग भागे तो पीछे से उन्होंने हमला किया था। तो कितने लोग घायल हुए इसमें कुछ पता चला? मेरे अलावा 2-3 लोग थे, उनको भी पंजे मंजे मारे, 2-3 लोग उधर। तो मौके पर पुलिस और वन विभाग की टीम नहीं पहुंची? टीम थी, काफी दूर थी। आपको कहाँ चोट आई है? पीछे आई है, पीछे फिर अभी क्या स्थिति है वहाँ की? अभी तो बैठा हुआ है वहाँ, स्थिति तो बहुत चिंताजनक है, क्योंकि एक्चुअली में क्या जोरा रूनीपुर में कोई ज्यादा दूरी नहीं है, दोनों पास पास में। रूनीपुर का आने का मतलब आपका ये का आप समझे जोरा आ चुका है आज की डेट में। ये कौन सा बाघ वही है क्या दूसरा है? क्या है रणथंभौर वाला है, इसका नाम मोहन है। इसका नाम इससे पहले भी हमला किया था, काफी थी जब इसने हमला किया था, मैं पीछे मतलब मैंने देखा था तो काफी बड़ा था, और लोगों ने बताया मोहन टाइगर के नाम से। वहाँ इतने भयभीत है, डरे हुए हैं, कुछ बता रहे हैं। क्या गांव छोड़कर के छत के ऊपर खड़े हो गए बाघ के चक्कर में।